Hello viewers, in today's session we would be looking up into the concept of recurring decimal using the concept of Vedic maths. इससे पहले भी हमने recurring decimal के कई examples लिए थे जिसमें कि division by 7 है, division by 13 है, division by 17 है, but आज के discussion में what we will be taking is, we would be taking the sutra that is Sheshanya Ken Charmer, which means that remainder by the last digit. इसका मतलब जब हम ऐसे examples ले रहे हैं तो जब हम division करेंगे तो हम इसमें पहला logic ये identify करेंगे कि ये GP की series कौन सी फॉलो कर रहा है और उस जीपी की सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज की वैल्यू को लेकर हम रिमाइंडर से कैलकुलेशन करेंगे. इसका मतलब बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द रिमाइंडर वी वुड बी आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोशेंट व्हेन वी प्रोसीड फॉर डिवीजन ऑफ दीज वैल्यूज. ओके सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with the first example that is 1 upon 7. Now इसमें जब हम शेषाण्य केन चरमेण ये सूत्र यूज़ करेंगे तो हम बेसिकली क्या डिफाइन करेंगे, दो चीज़ें हमें डिफाइन करना है. पहले हमें ये डिफाइन करना है कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ क्या है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सपोज आई टॉक अबाउट 2, 4, 8, तो बेसिकली वॉट इज द रेशियो, 4/2 इज गोइंग टू बी 2, 8/4 इज गोइंग टू बी 2, तो ज्योमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या है, 1:2, यानी 2 के टाइम्स में हमारी बाय एंड बाय, इसका मतलब 4 2 8, 8 2 16. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जी पी की सीरीज आइडेंटिफाई करेंगे एंड जी पी की सीरीज के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि हमारा कोशेंट का वैल्यू क्या होता है. ओके तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज 1/7. जब हम 1/7 की बात करते हैं तो लॉजिकली अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं 1/7, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0, और उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1. ओके क्योंकि अगर हम लाइक 7 कर रहे हैं ये किया, अगर हमने डिफाइन किया डिवाइड किया तो 0 नहीं हुआ, और उस केस में हमने अगर 7 0 0 हो गया तो रिमाइंडर क्या हो गया, 1. अब हम क्या करेंगे, लॉजिकली यहाँ जाके डेसिमल पुट करते हैं. डेसिमल पुट करने के बाद हम यहाँ 0 ऐड कर रहे हैं. ओके तो व्हाट वी फाइंड इज दैट कि हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू हो गया वो क्या होगा, 10. तो 10 हो गया, इसका मतलब व्हाट वी वुड बी डिफाइनिंग इज दैट कि जब हम 1/7 की बात करते हैं तो हमारा जी पी का रेशियो क्या होगा, 1:10. और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले हमने 0 किया हमारा रिमाइंडर 1 आया, अब हमने पॉइंट दिया तो अब ये वैल्यू 10 हो गई. तो अब हम क्या करेंगे, 7 1s are 7 एंड द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 3. तो अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को, क्योंकि इतना प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया डिवीजन का वो हमें कन्वेंशनल वे से करना है. अब ये 1 क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा. फिर मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, 10 / 7 हमें कोशेंट क्या देगा, कोशेंट इज गोइंग टू बी 1, 7 1s are 7, रिमाइंडर विल बी 3. अब क्योंकि हम 1:10 का रेशियो अज्यूम कर रहे हैं, हमने जी पी का आइडेंटिफाई किया है कि 1:10 का कंडीशन जो है ये फॉलो कर रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे, 3 × 10 दैट इज 30, 30/7, तो क्वेश्चन क्या होगा, 7 4s are 28, रिमाइंडर विल बी 2. नेक्स्ट 20/7, ओके 7 2s are 14, रिमाइंडर विल बी 6. नेक्स्ट रिमाइंडर इज 6, 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 60/7, सो क्वेश्चन विल बी 7 7s are 49, 7 8s are 56, सो रिमाइंडर विल बी 4. नेक्स्ट 4 will become 40, 40/7, सो 7 4s are 7 5s are 35, रिमाइंडर विल बी 5. नेक्स्ट 50/7, क्वेशेंट विल बी 7 7s are 49, रिमाइंडर विल बी 1. वापस हम यहीं पर आ गए, सो वी नीड टू स्टॉप और इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये हमें सीरीज देगा. तो अगर हम 1/7 कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, दैट विल बी 0.142857.
ओके और हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले हमने जीपी का रेशियो डिफाइन कर लिया, और जीपी का रेशियो हमने कैसे डिफाइन किया, बाय यूजिंग द कन्वेंशनल वे ऑफ डिवीजन। उतना हमने मेकआउट करने के बाद अब जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हर एक स्टेज में हम उसका नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 10 से हर एक वैल्यू, 2 को 10 से किया है, 6 को 10 से किया है, बिकॉज वी हैव द वैल्यू कि 10 का जीपी का सीरीज जो है ये फॉलो कर रहा है, सो 10 विल बी टेकन एज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो 1/7 की अगर हम बात करें तो 0.142857 है। इसके पहले मैं वीडियोस में मैंने ये भी शेयर किया था कि अगर हमें 1/7 करना हो तो हम यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण का भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण में मैंने क्या लॉजिक बताया था कि हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड्स विथ 9, और यहाँ पर फिर हम एकाधिकेन पूर्वेण यूज़ करके हम इसको फिर डिवीजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसी डिवीजन को करने के लिए हमारे पास कई सूत्र हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने एकाधिकेन पूर्वेण से सॉल्व करना बताया था, एंड समवेयर इन टुडे सेशन आई एम टेकिंग द सेम डिवीजन बाय यूजिंग शेषाण्यकेन चरमेण, जहाँ पर हम रिमाइंडर की वैल्यू को यूज़ करके हम क्वोशेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके अच्छा, फर्दर मैंने ये भी आपको शेयर किया था वीडियो में कि अगर हम 1/7 की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो वैल्यू है ये एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है, और अगर साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 1/7 से हम 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि उस वीडियो को भी जहाँ पर मैंने ये शेयर किया है कि इन्हीं वैल्यूज़ को आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। ओके सो वी हैव 1, 4, 2, 8, 5, 7, तो अगर मैं 2/7 की बात करूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.285714। अगर 3/7 की बात करूँ सो दैट इज़ गोइंग टू बी 0.428571। तो इसका मतलब अगर हम सिंपल 1/7 की वैल्यू निकाल दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट कि हमारा ये जो वैल्यू है वो साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसी साइक्लिक पैटर्न से हम बाकी की वैल्यूज़ भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वॉज अबाउट कि अगर हम 1/7 कर रहे हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.142857। ओके और यहाँ पर सिंपल एज यू कैन सी हमने रिमाइंडर की वैल्यू को जीपी से मल्टीप्लाई किया है, एंड बाय वी आर एबल टू कैलकुलेट द क्वोशेंट वैल्यूज। और बेसिकली हियर बिकॉज वी आर यूजिंग द रिमाइंडर, ओके सो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड यूजिंग द सूत्र, दैट इज शेषाण्यकेण चरमेण, which means that remainder by the last digit. Now we'll take up the next example, 1/13. Okay, now 1/13 की बात करें तो यहाँ भी हम पहले GP की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 को अगर हम डिवाइड किए 13 0 0 1.10। ओके अगेन इसका मतलब पहला हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आया। अब हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, फिर हमारा नहीं हो रहा है, फिर हमने यहाँ 0 लगा, तो इसका मतलब हमारा पहला रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। दूसरा रिमाइंडर क्या आया, 10 आया। इसका मतलब व्हाट इज़ द जीपी फॉर द रिमाइंडर्स, 1:10। ओके नाउ अगर हमने जीपी की सीरीज आइडेंटिफाई कर ली है तो अब हम उसी पैटर्न से जाके हम क्वोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू निकालने का एफर्ट करते हैं। देखिए पहले हमने 1/13 किया, क्वोशेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। नाउ बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड कि 1:10 का रेशियो ले रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, 10/13, तो क्वोशेंट फिर डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10। नाउ अगेन 10 × 10 विल बिकम 100, 100/13, 13 4 5 6 7 13 7 is 91, सो 100 - 91 इज 9, रिमाइंडर आ गया हमारा 9। अब मैं 9 यूज़ कर लूँ तो 90/13, तो 13 7 नहीं होगा, 13 6 78, एंड 90 - 78 इज 12, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 12। नाउ मैंने किया 120/13, सो क्वोशेंट विल बी 13 9 होगा 117, सो 13 9 117, रिमाइंडर विल बी 3। नेक्स्ट 3 × 10 इज गोइंग टू बी 30 30/13, क्वोशेंट विल बी 13 2 26, रिमाइंडर विल बी 4।
हम बस इतना ऑब्जर्व कर लें कि रिमाइंडर हमारा जब सेम आया तो रिकरिंग पैटर्न फॉलो हो जाएगा. 40/13, सो 13 3s are 39, रिमाइंडर इज 1. हम रिमाइंडर 1 के सीक्वेंस पर पहुंच गए, इसका मतलब हमारा उसके बाद रिकरिंग पैटर्न ऑटोमेटिकली फॉलो होगा. सो व्हाट इज द कोशेंट वी आर गेटिंग? कोशेंट अगर हमने डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 0.076923. सो दिस इज द सेट ऑफ द वैल्यूज वी नीड टू रीड इट आउट. सो 1/7 इज 0.076923. ओके, सो हमने यहाँ पर बेसिकली जीपी निकाला है. जीपी की वैल्यू को हम रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एंड बाय वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोशेंट. सो इट इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पर हमें एलाबरेट डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. नाउ विल टेक अप द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 1/17. कन्वेंशनल वे में पहले चले जाएं, 17 डिवाइड बाय 1, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर पहला क्या गया 1. नेक्स्ट 1 वोंट, अब हमने डेसिमल लगा लिया तो 0 हो गया, अगेन वोंट बी डिजिबल. सो अब हमारा वैल्यू फिर रिमाइंडर का क्या आ गया 10. इसका मतलब यहाँ पर भी जीपी क्या फॉलो कर रहा है, 1:10 की सीरीज जो है ये फॉलो करेगा. इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 10. नाउ विल स्टार्ट विद द डिवीजन. 1/17 है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0, रिमाइंडर आ जाएगा 1. 10 का फैक्टर है, 10/17, क्वेश्चन विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 10. 10 × 10 इज गोइंग टू बी 100. 100 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 5 = 85. 100 − 85 = 50. तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 5 और रिमाइंडर आ जाएगा 15. फिर 15 × 10 दैट विल बी 150/17. सो 17 8s हम करके देख लें, सो दैट इज 136, दैट इज़ द बेस्ट फिट. सो दैट इज़ गोइंग टू बी 14. तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 8, आई थिंक यस, एंड रिमाइंडर विल बी 14. सो नेक्स्ट इज 140/17, अगेन क्वेश्चन 8 एंड रिमाइंडर विल बी 4. फिर हो जाएगा ये 40/17, क्वेश्चन विल बी 17 × 34 एंड रिमाइंडर विल बी 6. नेक्स्ट 60/17, क्वेश्चन विल बी 17 3s = 51. सो 17 3s = 51, रिमाइंडर विल बी 9. नेक्स्ट 90/17, इसका मतलब दिस इज द वे हाउ वी कैन रियली प्रोसीड. ओके, तो लेट्स कंपाइल अप. जितना हमने डेसिमल वैल्यूज निकाला है उसको हम कंपाइल कर लेते हैं. तो व्हाट वी आर गेटिंग, 0.058823, 17 अगर हम 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 5. तो वी कैन कीप ऑन प्रोसीडिंग इन दिस वे. सो दिस इज़ द पार्शियल आंसर आई हैव रिटन. इसके बाद आप इसको तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक ये रिकरिंग 1 के पैटर्न तक नहीं आ जाता है, एंड देन यू कैन गेट द रेलेवेंट आंसर. इट मीन्स 1/17 विल कम आउट टू बी 0.058823. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेज डिस्कशन, इसका मतलब कि अगर हमें इन वैल्यूज़ का डिविजन करना हो तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ द जीपी, that is the geometric progression ratio. Once we have identified that ratio by using the conventional method, what we can further proceed is that hum normal division karenge aur normal division mein hum quotient aur remainder identify karenge. Jo bhi remainder aa raha hai usko us multiplying factor se multiply karke we can go for calculating the quotient and the remainder in the subsequent steps and accordingly we can get the desired answer. Iska matlab agar hume recurring decimal karna ho specifically for the case of 7, 13 and 17 as we have discussed today, so there are multiple sutras which actually help us to give the same solution. But in today's session, we have actually used the concept of Sheshanyakin Charmer, where we are using the remainder that is occupied from the last division and we are multiplying it with the relevant geometric progression ratio, and then we are proceeding for calculation of the relevant subsequent quotient values.
Okay, so that was all about today's discussion. Thanks a lot.